दो खूबसूरत चीजें, एक है जैसलमेर टारगेट और दूसरा है कंपनी वाला कौन सा लक्ष्य टारगेट है ना। बताइए यार, एक समय में आपको दो दो चीजें मिल रही है, एक में दो दो चीजें। पहला जैसलमेर का है कि हम 2023 की शुरुआत कहां से करेंगे, जैसलमेर से करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। मुझे आज भी वो चीज याद आती जब हम पहली बार जैसलमेर गए थे, वो चीजें हम फिल्मों में देखा करते थे, तो अब वो असल जिंदगी में, क्योंकि असल जिंदगी के हीरो कौन, वो हम है ना। यस सर, ये चीजें तो हमको देखने को मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जब जैसलमेर गए तो बहुत मजा है, बहुत ज्यादा मजा है। ऊंट पे कितने लोग बैठे वहां, अगली बार बैठे सर? मैं नहीं बैठा, मेरा मतलब ये लग रहा था कि यार ये जो ऊंट है अगले पल मेरे को ना ऊपर पहुंचा देगा। उसमें उठना बैठना मतलब हालत खराब कर देती। तो भाई हम हवाई जहाज चढ़ सकते हैं, लेकिन जो रेगिस्तान का जहाज है उस पर नहीं चढ़ सकते, समझ आ रहा है यार? क्योंकि वो थोड़ा सा खतरनाक होता है, उसमें चढ़ना होता है, वो ऐसे ऐसे चलता है तो मतलब लगता है कि गिर जाओ, उसमें मतलब बैलेंस बना के रहता है। ठाकुर बैठे हो ना? हाँ, जी तो बैठे हो, उसमें पता है कि होता क्या है उसमें, साला आंकड़ियों में अंदर से खुद ही हो गया कि लग रहा है पानी गिरा दे। और उसमें आप जवाब क्योंकि आपको पता क्या होता है, मैं बता रहा हूँ तो आपको मजा नहीं आया, जब आप खुद उस चीज का टेस्ट करोगे ना तब आपको पता चलेगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा? जब आप खुद उस चीज का टेस्ट करोगे। तो भैया जैसलमेर इतना आसान टारगेट, इतना खूबसूरत टारगेट कि भैया जो इसको नहीं कर सकता वो जिंदगी में कभी कुछ कर भी नहीं सकता, समझ आया? जब ये टारगेट निकाल रहे थे रोहित सर और मैं बैठे हुए थे, हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे। पहले हमारी बात हुई 2500 का जोड़ा करते, फिर टारगेट निकाले, फिर हमने सोचा यार नहीं 2500 ज्यादा है, फिर 2200 करते, फिर 2200 है कि 2200 का जोड़ा तैयार करते हैं, इसमें हम प्रेशर को क्या करेंगे जैसलमेर में लेके जाएंगे। फिर फाइनली हमारी जो बात आई वो आई 2000 कि यार 2000 का जोड़ा होना चाहिए, 2000 बीबी लेफ्ट साइड में और 2000 बीबी राइट साइड में। अब 2000 बीबी होता कितना बताइए सर? 10 जोड़ा, 10 से मतलब 10 से लेफ्ट में और 10 से बताइए यार, जो आदमी 10 हफ्ते में 10,000 नहीं कमा सकता वो जिंदगी में क्या कर सकता है भाई, कुछ कर सकता है क्या? अगर दूसरी तरफ आप कंपनी का टारगेट देखोगे तो कंपनी के टारगेट के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है ना? है कि नहीं? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाई सबसे पहला हमारा जो लक्ष्य है वो ये नहीं है, वो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, जैसलमेर होना चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं कि जो सिस्टम का टारगेट जीत जाएगा ना उसके लिए कंपनी का टारगेट जीतना बहुत आसान होगा। तो कितने लोग हैं जो सिस्टम का टारगेट जीतेंगे? पक्का जीतेंगे? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आज भी शुरू किए हो ना, ये 10 पेयर का टारगेट बहुत छोटा टारगेट है मेरे भाई, लोगों ने 15-15 सेल है तो भैया एक एक दिन में क्लोज किए 15 सेल एक दिन में। मुकेश जैसा याद करो जब शुरुआती दौर था हम लोगों का कि भाई दशरथ सही है ना, एक एक दिन में 10-10 सेल 15-15 सेल क्लोज होती थी। लेकिन यहां तो अभी भी कितने हफ्ते हैं हमारे हाथ में? 8 हफ्ते। कितने? 7 सप्ताह है कि 8 है? 7 सप्ताह है। सोच लो अभी बात, जो ये कर गया ना उतर गया आपके लिए। भैया हमने कोशिश की है क्योंकि हम एक चीज मानते हैं कि इस बिजनेस में हमने लोग नहीं बनाए, हमने परिवार बनाया, और इसी परिवार की अच्छी खुशियों के लिए, अच्छी जीवन के लिए, अच्छे भविष्य के लिए हमने इतना आसान टारगेट अपने परिवार वालों के लिए दिया। अब हमने दिया है तो आप लेने के लिए तैयार हो? पक्का? अगर तैयार है तो अभी और बहुत सारी चीजें आपको आने वाली है, तो तैयार है? गेट रेडी योर पासपोर्ट।
बना लिया तब बनाया सर बहुत पहले सेफ शॉप से पहले बना कर सपना आ रहा था कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इसे मिलेगी जो इसे कहां लेकर जाएगी विदेश लेकर जाएगी। बाकी ने पासपोर्ट नहीं बनाया राजेश का बनाया सीनियर लोग नहीं बोले जो नए नए हैं जरा उनसे मत पूछ लेते बात। बाकी ने पासपोर्ट बनाया बनाया हूँ पासपोर्ट जाना ही नहीं तो बनाना क्यों शुरू शुरू में ना जब हम लोग नए नए आए थे बिजनेस में तो हमें आइडिया नहीं था कि पैन कार्ड क्या चीज होती है तो कई लोगों ने ना बहम फैला रखा था कि अगर पैन कार्ड बनवा दिया तो टैक्स देना ही पड़ेगा। हम बने रहते थे यार कहीं सच में तो ये बात नहीं है कि अगर हमने पैन कार्ड बनाया तो हम कहाँ से टैक्स देंगे तो आए नहीं तो देंगे कहाँ से तो कई लोग सोचे हम तो जा ही नहीं रहे तो पासपोर्ट बनाएंगे। तो भैया सबसे पहले जो स्लाइड थी सबसे पहले जो यहाँ लिखा था वो एक ही चीज लिखा था कि विश्वास ही सफलता है। अगर विश्वास नहीं है भैया तो फिर पासपोर्ट भी नहीं है। सही कह रहा हूँ? तो बिजनेस के लिए अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक विश्वास पैदा करो और तुरंत अपने लिए पासपोर्ट अप्लाई करो। जो अपने लिए बोलते ना कि साधन अभी मैंने बताया इस बात कि साधन बदलने पड़ेंगे तैयार करनी पड़ेगी चीजें। जब तक आप इनको सोचोगे नहीं जब तक आप इनके बारे में प्लान करोगे नहीं तब तक ये चीजें आपके साथ होंगी। समझ आ गया? आप इतना तो चाहते हो एक साधु बनने के लिए भी बाल लगाने पड़ते हैं दाढ़ियां बनानी पड़ती बनानी पड़ती है तब जाकर उसको साधु समझते। समझ आ रहा क्या है? हमारे यहाँ क्या होता है गाँव में अगर कोई आदमी दाढ़ी भी बढ़ा देना तो बोलते क्या कहीं बाबा बन रहा है। समझ आ रहा क्या है? तो मतलब बाबाओं की पहचान क्या है वो दाढ़ी मूछ। समझ आया? तो वही चीज है बिजनेस की पहचान क्या है ये चीज है। तो पासपोर्ट बनाने हैं बनाओगे विश्वास रखो ना कि यार आप ऐसे हवाई सफर करके विदेश जा सकते हो दुबई जा सकते हो अबू धाबी जा सकते हो थाईलैंड जा सकते हो यूरोप जा सकते हो अमेरिका जा सकते हो। ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो आपको इतने खूबसूरत देशों का घूमने का सपना पूरा कराती है जो चीजें आपने पूर्व में मोदी है तो मुमकिन है चला है ना सुना है? तो भैया सेफ शॉप है तो विदेश जाना मुमकिन है इसलिए पासपोर्ट सभी अपने तैयार कर लो। कितने लोग करोगे आप पक्का करोगे ना? टाइम से कर लो भाई क्योंकि तत्काल बनाओगे ना उसकी फीस ज्यादा तत्काल वालों की फीस ज्यादा होती है इसलिए टाइम से क्या बनाने अपने पासपोर्ट बनाने बनाओगे ना। अगला नंबर मेरा किसका मेरा किसका मेरा औरतें बराती बराती हो इधर वाले दूल्हे बने हुए हैं आप लोग बराती में बैठे हो। अगला नंबर किसका मेरा अगला नंबर में जैसलमेर किसका मेरा अगला नंबर दुबई किसका मेरा अगला नंबर थाईलैंड किसका मेरा यूरोप किसका मेरा करोड़पति किसका मेरा है ना पक्का है वो विश्वास होना चाहिए। जहां विश्वास है सफलता उसी के पास जहां विश्वास नहीं कि भैया जितना मर्जी नारे लगा लो जितनी मर्जी सूट बूट पहन लो जितनी मर्जी प्रेजेंटेशन कर लो अंदर से जब विश्वास ही नहीं है कि सफलता भी आपके पास नहीं आएगी। तो अगला नंबर ये याद रखना है जो अभी मैंने जो जितनी स्लाइड यहाँ पे आ रही है वो एक ही स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो सबसे मेरे को लग रहा है कि भैया अगला नंबर किसका अभी भी सोचे खुद का किसका मेरा अपना कम बोलना मेरा ज्यादा बोलना मेरा ज्यादा बोलना। मैंने इस बात पे बहुत पहले बात कही थी कि जहां मेरे वाली बात होती है ना वहां आदमी खून खराब तक कर सकता है ना
मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा जमीन, मेरा खेत, मेरा खलियान, समझ आ रहा नहीं आ रहा? मेरी गाड़ी, जहां ये मेरा आता है ना, वहां आदमी थोड़ा सा एग्रेसिव ज्यादा हो जाता है, समझ आ गया? इसलिए ध्यान देना, ये बिजनेस किसका? मेरा। अगला नंबर किसका? मेरा। समझ आ गया? बाकी क्या है? बराती। बराती है। अगला नंबर किसका?